नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रुड़की कुष्ठ आश्रम में, जहां पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं एसके आस्था हेल्प फाउंडेशन के ओनर अमित सैनी जी। आज इनका जन्मदिन है। सबसे पहले मैं इन्हें बधाई दूंगा जन्मदिन की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज आपने कैसे सोचा कि आज मुझे रुड़की जाना है और कुष्ठ आश्रम में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना है? एक्चुअली मैं अपने जन्मदिन पे कुछ ना कुछ करता रहता था। जैसे पिछले जन्मदिन पर मैंने अपने ब्लड डोनेशन का अपना कैंप लगाया था, इस बार मैंने सोचा जितने भी अपने मेरे छोटे अब बड़े जितने भी लोग हैं और कुछ आश्रम जैसे हैं, रुड़की की तरफ को मैं नहीं चला, हरिद्वार को तरफ को अपना सेवा भाव करता था, लेकिन इस बार लगा कि रुड़की तो मेरी अपनी है, इसमें भी कुछ ना कुछ अपना कुछ आश्रम से शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोग अपना होटल्स में मनाते हैं जन्मदिन, अपने परिवार के साथ रह के मनाते हैं, लेकिन आज आप कुष्ठ आश्रम में पधारे परिवार के साथ। यहाँ के जो कुष्ठ आश्रम में परिवार रहते हैं उनके साथ आपने सेलिब्रेट किया है अपना जन्मदिन, बड़ी बात है। दोस्तों, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संदेश तो मैं देना चाहूँगा कि यहाँ आके मुझे ऐसा लगा जैसा ये भी मेरा परिवार है, ठीक है ना, क्योंकि आगे से मैं इनको कभी भी दिक्कत नहीं होने देने का। बस ये संदेश मेरी तरफ से ये है कि आप लोग मेरी तरफ से कोई भी चिंता ना करें। आपको राशन आपका जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने देखा ना, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो मेरी भी संस्था आगे चलेगी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर इनका जन्मदिन तो है ही, हमारे प्रिय भाई तेजू भाई पीछे खड़े हैं, उनका भी जन्मदिन यहाँ पर है और यहाँ पर ही जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वो भी आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर पहुँचे? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, ये पूरा परिवार जो है ये भी हमारा ही परिवार है और हम चाहते हैं कि हमेशा ही हम इनके साथ ही सेलिब्रेट करें। बाकी जो है, बाकी तो सेलिब्रेट होगा यार, दोस्तों के साथ तो हो ही रहा है, पर यहाँ आना बहुत अच्छा लगा और हमेशा से आया जाएगा। दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए, जो गरीब है उनकी सेवा करते, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, ये समाज में बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इन लोगों के लिए हम हमेशा खड़े हैं। सैनी जी, लगातार आप समाज सेवा करते आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देखेंगे, क्या भावनाएं हैं आपकी, क्या कैसा लगता है आपको दानपुट करने के बाद इनके बीच अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं जो जन्मदिन? कैसा लगता है मुझे, इतना अच्छा लगता है कि आप क्या पूछो, जो मेरे साथ घटनाएं होती हैं, मैं जो दानपुण करता हूं वो अपने आप ही दूर हो जाती है मुझसे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के सिफारिश लगाने की या किसी उसकी, तो जैसे मुझे इनका आशीर्वाद मिलता है तो मेरे सारे काम बन जाते हैं। याकी जी, आप भी आ जाइए, क्या कहेंगे आज भाई साहब यहाँ पर आए हैं अमित सैनी जी? इन्हीं से, इन्हीं की कुछ प्रेरणा मेरे अंदर भी आ रही है, 5 साल से इनसे जुड़ा हूँ सर नितिन जी। बट क्या आगे, एक जैसे 2 खाते होते हैं आदमी का, एक अकाउंट में होता है और एक अकाउंट भगवान के पास अकाउंट होता है, तो हमें उसका बैलेंस बना कर रखना पड़ता है, उसका भी पुण्य कमाओ इसका भी पुण्य कमाओ, दोनों खाते हमारे चलते रहने चाहिए। इन्हीं यही इनकी प्रेरणा है, इनकी इससे सब हमारा पूरा परिवार चल रहा है सर। ठीक है, तो अमित सैनी जी का कहना है कि सभी को दान पुण्य करते रहना चाहिए। खाते 2 होते हैं, एक यहाँ पर, एक ऊपर भी खाता होता है, उस खाते में अगर आप दान पुण्य करेंगे तो वहाँ पर लिखा जाएगा और वो आपके काम भी आएगा, आपके बच्चों के काम भी आएगा, आपकी पीढ़ी होगी उनके काम भी आएगा। तो ऐसे लगातार करते रहना चाहिए, अपना जन्मदिन गरीबों के बीच में मनाना चाहिए जैसे आज इन्होंने मनाया है। नितिन कुमार रुड़की हब से।